एक बार जीत गए तो ये कहते कोई फर्क नहीं, अब 4.5 साल मौज करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, अपने जमाई को दामाद को नौकरी दिलवाओ, दामाद अनपढ़ हो तो लड़की को लगवा दो, लड़की अनपढ़ हो तो लड़की का, मतलब कोई अच्छा MLA अगर हो तो इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। और यहां भी बात चली, ब्रह्मचारी जी ने भी कहा कि ये अकेला MLA नहीं बनेगा, मैं ये बात आज आपके सामने बोल के जा रहा हूं कि अगर अवतार बढ़ाना को आप मदद करते हैं तो वो कहते हैं जी 400 में तो तुसी मैनू बना दो, पंजाबी में क्या करें, 40 विच में अपने आप आ जावा। तो ये 40 में तो अपने आप आ जाएगा, और जब 40 में आ जाता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में मीरापुर जैसे इलाके का विकास करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तो ये है कि उसकी जो सरवाई है उसका जो वो पड़ोस के हलकों में भी फैलेगी, सिर्फ मीरापुर तक नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि गलत फैसला कर लिया तो भाई अभी भुगतते आ रहे हो 40 साल, 5 साल और भुगत लेना, हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हरियाणा का इलेक्शन होगा, फिर लड़ लेगा जाके वहां मिल लेगा। सच्ची ईमानदारी की बात, मैं राजनीति में मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको सोच के समझ के करनी पड़ेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं मेरे को कि मैं 5 साल में किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा। ये बात सोचने की है कि 5 साल में ये इलाका जो है, मेरा अपना आकलन है ये कि नरेंद्र मोदी जी की जो सूझबूझ है उसके मुताबिक इस इलाके में दुगनी नहीं 5 साल में होगी, तिगनी चौगनी हो सकती है, क्योंकि यहां तो रुक जावे तो अपने आप दुगनी तिगनी होगी आपकी। तो दूसरी बात कि मोदी जी ने जो ये नोटबंदी की जो बात करी है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो गरीब आदमी तो समझा हुआ है, उसको तो कोई भाषण की भी जरूरत नहीं। मैं तो मैंने 13 चुनाव लड़ लिया, 13 मैं आज 45 साल से चुनाव लड़ रहा हूं। पहला चुनाव मैंने 26 साल की उम्र में लड़ लिया था, 25 की मैंने 13 चुनाव लड़ लिए। मैंने एक बात देखी है कि गरीब आदमी की जो सोच है उसका कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो उसकी सोच को बता दे या क्या, लेकिन राजनीतिक आदमी बता सकते हैं। जो नोटबंदी है मैंने कई आदमियों से पूछा, और अब क्योंकि यूपी में चुनाव है तो यहां से पूछा गरीब आदमी से, रिक्शा वाले से, चाय बनाने वाले से, रेडी लगाने वाले से, परचून की दुकान करने वाले से, और किसान से। किसान की तो बात ही अलग थी। मैंने एक बागपत का मिल गया चौधरी, मैंने कहा भाई ये नोटबंदी से कोई खाद खूद लेने में दिक्कत तो नहीं आती? वो कहने लगा चौधरी साहब खाद खूद के छोड़ो, हम तो और काम कर रहे हैं आजकल। मैंने कहा क्या? अगर दिल्ली से मेरठ से HC वाले आते हैं और ढूंढते हैं भाई बैंक में खाता किसका है, और कहें यार 2.5 लाख हमारे भी जमा करा दे। आपने एक बात सुनी है, एक जाट एक सेठ से पूछने लग गया, उसके दोस्ती थी आपस में, कि भाई ये पैसा किस तरह कमावा? यार चौधरी ये तो कोई बात ही नहीं, पैसा पैसे ने खींचा है। उसने सोचा अच्छा 5-7 दिन का गेड़ा देके, और उसके पास एक चांदी का रुपया था, लाला जी के कल्ले में फेंक दिया उसने, और खड़ा उसने देखा भाई ये इतनी देर से क्यों खड़ा, फिर पूछ लिया क्या बात है क्यों खड़ा है? अगर तुम्हें तो कह रहा था पैसा पैसे ने खींचे, मैंने तेरे गल्ले में
रुपया फेंक रखे आए नहीं उठे। और कहने लगा तू बोला थोड़ा गणे ना खेचेगा या गणा थोड़ा ना खेचेगा। लेकिन सुनो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच ने इस चीज को उल्टा साबित कर दिया। दिल्ली का व्यापारी टैची लेके गांव में घूमता है कि मेरे पास पैसे हैं, ले लो जमा करवा दो। ये क्रांतिकारी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे बैंकों में 15 लाख करोड़ रुपया जो दबाए हुए पड़े थे, ये जो गरीब आदमी किसान मेहनत कश कमेरा वर्ग सारी दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन बदलेगा, 15 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों में है उस पे 4% ब्याज है सेविंग पे, और जो करंट अकाउंट है उस पे 0। तो आप ये भी मान लो कि उस 15 लाख में अगर बैंकों को 4% ब्याज पे उन लोगों को ब्याज देना पड़ गया तो बैंकों का तो पट्टा बैठ जाएगा, सारे बंद हो जाएंगे एक साल के अंदर अंदर। इसलिए उन बैंकों को पैसा आपको देना पड़ेगा। अब पहले तो नखरे करते थे, नहीं नहीं तेरा ये कागज ठीक नहीं, फलाना नहीं, दिखड़ा नहीं करते थे। अब तुम्हारे दर पे आएंगे, दर पे कहेंगे कि हमारा पैसा सड़न लग रहा है, ले लो थोड़े है। और एक समय आएगा, अभी हमने इस चीज का फैसला भी कर दिया, आपने देखा होगा कि अब किसान को 0% पे कोई ब्याज नहीं पैसा लो किसान, ये फैसला हुआ। और ये जो सेठ सेठ लोग हैं जो अभी तो थोड़े थोड़े बीजेपी से कह रहे हैं कि इनने मारी ये पार्टी थी हमें ऐसा कर, लेकिन इनको भी फायदा होने वाला। मैं अपने राजनीतिक अनुभव से बता रहा हूं, अगले 6-8 महीने में देखना जो 14-14% पे ब्याज पे व्यापारी और उद्योगपति पैसा उठाता था बैंकों से, उनको सिंगल डिजिट मतलब 9% मिलेगा, तो उसका भी कल्याण है। इसलिए भाई ये सोचो। मैंने कहीं पूछा, मैंने कहा भाई ये नोटबंदी का बता, कहने लगा जी ठीक है हम तो डूबे थे सनम, वो भी डूबे हैं, ये बड़ों को भी चोट, गरीब आदमी तो खुश होता है, अगला हम तो मरे पड़े, इनका भी देखी जाएगी। तो एक एक नई सोच की तरफ हम चल रहे हैं, एक ऐसी सोच की तरफ जिसमें देश, मैंने अभी बात कही कि आमदनी दुगनी, दुगनी का मतलब यह है अर्थशास्त्रियों से, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं,